सत श्री अकाल पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर, लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन। आज पंजाब डिस्कशन असी करांगे टिकरी बॉर्डर ते। जी हाँ, पंजाब दे पिंडां दीआं सत्थां निकल के अज टिकरी बॉर्डर ते पहुँच चुकियां ने। दिल्ली दे सारे बॉर्डर जिहड़े ने पंजाब दीआं सत्थां, जिहड़े सत्थां दे विच बाबे बैठे हुंदे ने, दस दईए कि अक्सर यह बिड़क रखी जाती है कि पिंड दे विच कौन आउंदा ते कौन जांदा है। तो अज केंद्र सरकार दीआं नीतियां दीआं बिड़कां लैके जिहड़े पंजाब दे बुजुर्ग ने वह सत्थां दा रूप धार के जिहड़े टिकरी बॉर्डर दे उत्ते बैठे ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी सीनियर पत्रकार जय सिंह छिबर मौजूद ने। अक्सर असी पंजाब डिस्कशन करते हाँ, पंजाब दे जिहड़े भगदे मसले ने, देश दे भगदे मसले ने, उन्हां ते विचार चर्चा करते हाँ। तो असी अज टिकरी बॉर्डर ते खास पंजाब डिस्कशन करन, पंजाब दा हाल चाल जानन ते ये जिहड़े सत्थां च बाबे बैठे हुंदे ने इन्हां दीआं गल्लां सुणन, ये सीपां किवें लाउंदे ने ये वेखण आए हां खास तौर दे उत्ते। ते मैं छिबर सर नूं कहांगी कि छेड़ी जावे कोई इन्हां दे नाल सत्थां वाली गल। कमल जी, देखो पिछले एक महीने तो जिहड़े ये अपने फिरोजपुर तो अपने किसान इत्थे आए हुए ने, एक नवां पिंड आ जिहड़ा पंजाब ते हरियाणे दे किसानां ने, एक जिहड़ा नवां पिंड आ नवां पंजाब आ वह इत्थे वसाया। अज आपां जिहड़े इत्थे नवां पंजाब वसाया इन्हां किसानां नाल गल्लबात करांगे, इहनूं पुछांगे वह क्यों आए ने ते कदों वापस जाणगे। असीं देखो तुसीं तीन जिहड़े खेती कानून आ उहनां नूं लै के उहनां दे विरोध विच इत्थे इकट्ठे होए आ, तुहानूं की लग रिहा हुण तक बार बार जिहड़ियां मोदी दी सरकार उहनां दे मंत्री बार बार मीटिंगां करी जा रहे ने, तुहानूं लग रिहा कि इहदा छेती हल निकल जाएगा? बिल्कुल जी, साढ़े अज 24 तरीक नूं असीं तुरे सी पिंडों, तो दो दिन तीन दिन राह दे विच लग गए, तो साढ़े इन्ने हौसले बुलंद आ जी। असीं एक ही घाट इत्थे समझदे हां वी जिहड़ी असीं एक दिन दे विच आपदे खेत नूं गेड़ा रोज़ मारदे सी ना, सानूं उह घाट मालूम हुंदी। होर सानूं इत्थे कोई अन्न पाणी दी नहीं कोई, असीं जिवें उत्थे बहिंदे सी बाहर जदों वेला टाइम सी, कुर्सियां लैके आ सारे असीं भैण भरा आपदे पिंडां दीआं गल्लां करदे आ जिवें सत्थां च करदे आ। सानूं जित यकीनी है जी, असीं जरूर जितांगे। साडा काफला एडा वड्डा होई जांदा, जिहड़े पिंड दे विचों पहले दिन 10 बंदे तुरे सी ते अज उस पिंड दे विचों 300 बंदा तुरिया जी। बिल्कुल तुहाडी गल सही है कि काफला जिहड़ा दिन ब दिन अगे वधदा जा रहा, मजबूत हुंदा जा रहा। जिहड़ा हुण पिछले लंबे समय तो पंजाब ते हरियाणे दी दोहां दे विच इक तरह दी तकरार पाई जांदी थी, लीडर जिहड़े अपने पॉलिटिशियन आ उह वंडण दी कोशिश करदे, हुण वी उहनां ने कोशिश कीती, खास करके जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर आ उहनूं लै के इक मुद्दा बनाउण दा जतन कीता गया, पर उह मुद्दा नहीं बन सकिया। तुसीं किवें देखदे आ कि जिहड़ा हरियाणा जां हरियाणे दे किसान आ उह तुहाडे नाल किवें चल रहे ने? साढ़े नाल उह ऐं चलदे जी जिवें इक छोटा भरा ते इक वड्डा भरा हुंदा ना जी, बहि के रात नूं जिवें असीं भला अड्ड वी होईए ते रात नूं असीं गल्लां बातां पिंडां 'च करदे, उस तरह रात नूं साढ़े कोल इह वीर आउंदे आ, असीं उह नहर दी गल वी करदे आ ते कोई महसूस हो भी नहीं करते भी सानू पानी नहीं दे रहा है। साढ़े कोल जे वध पानी हो तो असीं दे देंगे, साढ़े कोल पानी वध है ही नहीं। वह भी यह गल समझते भी यह जिहड़ा मतलब मुद्दा बनाउंदे इलैक्शन दे कोल बनाउंदे आ सियासी लोग, तो असीं भरा भरा वो भूमिका निभाई ने जी, वड्डे भरा छोटे वाली कोई। तुहानू की लग रहा है कि जिहड़ा किसान अंदोलन आ इन्हां ने जिहड़े सियासी लीडर ते उन्हां दे चेहरे नंगे कर दिते, जां जिहड़ी हुण सियासी पार्टियां दी होंद आ उन्हां नूं तुसीं किवें देखदे हो? खत्म करता जी सियासी पार्टी दी इस कट्ठ ने ना, इन्हां दे तां हुण भादी बनी फिरदी है जी। जिहड़े लीडर आ ना जी साडे, जिवें साडियां तिन पार्टियां पंजाब 'च आ हरियाणे 'च तिन आ, उन्हां दे तां भादी बनी फिरदी आ भी इह किते अंदोलन जित के ना आ जाण, पर इह अंदोलन जितू इस अंदोलन के विचों आ जिहड़ियां 31 जथेबंदियां जां 500 जथेबंदी आ जिहड़ी हिंदुस्तान च। वेखो यारो, जे साडे साडी मंग ही इह हुंदी सी जथेबंदियां दी जदों असीं दिल्ली आउंदे सी, मैं 50 साल तो जुड़िया जथेबंदी नाल, जंतर मंतर दे धरना देण आउणा ते पुछणा प्रधान जी कोई मरुंडन अपना लैण आया, किसे ने आउणा ना, साडी इक्को मन च हुंदी सी जे कदे इकट्ठे हो जाइए। अज असीं इकट्ठे हो गए, असीं तां धन्नवाद करदे आ दो वारी मोदी साहब जम्मण, सानू इकट्ठिआं दा करता ना कोई गल नहीं, इंसाफ साडा जिहड़ा वेखो इहदी होंद खराब होई जांदी आ। इह तां कानूनां दी गल करदा ना जी वापस दी, मैनूं लगदा जी जे ऐ वर्ल्ड दे विच रौला चली गिआ ते इहदी सरकार नूं खतरा हो जाणा जी। इह धन्ने भगत बैठे आ इत्थे, इह जिहड़े अन्न पैदा करदे, असीं दिहाड़ी दे विच तीन वारी बैंटरी चार्ज करदे आ, भला प्रधानमंत्री होवे, भला मुख्यमंत्री, भला साडे जज साहब होण। किसान सब्जी पैदा करदा, हर एक चीज़ किसान दे खेत दे विचों आउंदी आ, ते इहनां नूं साडा जिहड़ा अंदोलन आ जिहड़ा दिनों दिन वध रिहा, इन्हों बहुत छेती अंदोलन खत्म करना चाहिए, नहीं तो इन्हों खतरा सानू तो कोई गल नहीं जी। असी तो जी 6 महीनों का लैके तुरे सी,
छे महीनों से वधूगा जिवें साडे पुरखियां ने नौ महीने भी लड़ाई सरदार जीत सिंह ने लीडर से उदों पगड़ी संभाल जट्टां दी लड़ी आ ते सानूं तां कोई गल नहीं जिन्ना मर्जी लम्मा हो जाए जी। तुसीं पगड़ी संभाल जट्टां दी गल कीती आ उह इक लहर आ जिहड़ी 1907 विच चली थी अंग्रेज़ सरकार दे खिलाफ चली थी। हुण अंदोलन आ जिवें तुसीं कहा कि असीं छे महीने दा आनण ले के इत्थे इकट्ठे होए आ ते जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री आ उह वी वार वार कह रहे आ कि असीं जिहड़ियां कानून विच सोधां करन नूं तैयार आ किसान नहीं मानते वार वार उह इही गल कह रहा। अमित शाह नाल भी मीटिंग होगी रेलवे मंत्री नाल भी मीटिंग होगी की तुहानूं लग रहा है कि जिहड़ा इह मोदी की सरकार आ जां खेतीबाड़ी मंत्री आ जां रेलवे मंत्री आ उह इक दिन पिछे हट जाणगे? नहीं जी, वह पिछे तां नहीं हट रहे जी, जे उह चाहुंदे आ वी इहनूं भला सारे नूं खत्म कर दिओ उह आपदी होंद तों डरदे आ जी। भी मतलब ये हुण तो कहिंदे भी सारा भला पीपा ही रहिण दिओ, जिवें साडे गरेवाल बयान रोज़ दिंदा जी पंजाब दे विच नवें सूरज दिंदा, पर नहीं सानू भी है ना जी साडे लीडरां नूं ये हो गया भी साडे नाल सारा वर्ल्ड खड़ गया। असीं तां जदों मंगिया ही नहीं, जे तां असीं कोई चीज़ मंगी हुंदी असीं तां जदों मंगिया ही नहीं साडे ते लागू करदा यार। इहनां नूं हर्जी वी की हो जिहड़े बेतुके बयान दिंदे जी, इहनां ने उहनां दे नाल रुपइयां दी गांठ सड़ कीती है जी, रुपया रज के लिया जी। इहनां इलैक्शन 'च सरकार जिहड़ी मोदी साहब दी उहनां ने बणाई है जी, डानियां ने बानियां ने जी यारी निभा रहे हैं जी। तो इवें जिहड़ियां बेतुके बयान दे रहे, साडी तां मंग आ सारा ही वापस होवे जी, जे तुसीं मंगिया ही नहीं गा। जे तो असीं कोई मंगी है चीज़ फिर तो है आ अपने घर मंगता आए, तो जे तो दान मंगे तो आपको पाना चाहिए, जो मंगे ही ना तो असीं इवें बोरी लैके मगर तुरे फिरीए, असीं मंगिया ही नहीं इन्हां तों, जे इन्हां दिता है वापस कर लें जी। नहीं तुसीं मंगिया नहीं, वो तुहानूं देण नूं तैयार आ, तुहाडी आमदन दुगनी करन नूं तैयार आ। सारियां पार्टियां जिहड़ा उहनां दा विरोध कर रही, राजनीतिक पार्टियां किसान जथेबंदियां विरोध कर रही, फिर ये बावजूद एड्डी वड्डी की गल हो रही आ कि जिवें होंद की गल तुसीं कीती आ कि किसान अपनी होंद की लड़ाई लड़े है ते प्रधानमंत्री आ जिहड़े उन्होंने अपनी आकड़ रखी हुई आ। की तुहानूं लग रहा है कि जिहड़ी किसान आ उन्हां दी आकड़ एक दिन भन देणगे? देखो जी, जे सानूं दुगनी आमदन करवाउणी चाहुंदे होणा ते फिर असीं उन्हां कानूनां नूं मान लईए, सानूं तां याड़ना चाहुंदे आ, सानूं तां याड़ के बई डब्बे फड़ाउणे चाहुंदे रोटी वाले बई इह वी नाल दिहाड़ी चलण, जो साडे कोल जमीनां रहियां तां फिर असीं रोटियां दे डब्बे फड़ांगे, उदों सानूं इत्थे बह के ही संघर्ष चलणा वधिया। कहिंदे सत्थां च बैठे बाबिआं दा तजर्बा बोलदा है, जिंदगी हंडाई हुंदी है ते तजर्बा जिहड़ा जिंदगी दा बहुत ग्रहण कीता हुंदा है। अज जिंदगी दे तजर्बे ने तुहानूं टिकरी बॉर्डर विखा दिता, दिल्ली दीआं सरहदां विखा दित्तियां, ते एक बार फिर तो प्रधानमंत्री जिहड़े ने तुहाडे नाल मन की बात करना चाहुंदे ने, कहिंदे ने कि मैं किसानां नूं फिर तो समझाउणा चाहुंदा, थोड़ा जिहड़ा अंदरला दर्द है अखां चों वह रिहा है, ते तुसी मन की बात करन वाले प्रधानमंत्री नूं अपने तजर्बे दे राही की कहना चाहुंदे? कोई मन की बात सुन लै, असीं थालियां नाल अगों उहदा विरोध करांगे मन की बात दा, साडे जने दा मसला नहीं हल हुंदे उहनां चिर असीं इत्थों नहीं जावांगे, साडे किसान होर तुरे आउंदे आ ते सानूं इहो जिही कोई घर नूं असीं सौखे आ, घर नूं वी इत्थे सौखे आ, सानूं कोई इत्थे दवाई सानूं मिलदी आ, प्रशादा पाणी वधिया मिलदा, जो भी असीं चाहुंदे आ खाण नूं उह मिलदा। बहुत जोश खरोश के नाल, मतलब जोश खरोश भरपूर जिहड़े तुहाडे सुनन नूं मिल रहे ने, हालांकि तुहाडे जिहड़े दिल का दर्द है वह तुसीं सांझा कीता है, असीं भी यही चाहुंदे आ कि जिहड़ा तुहाडा दर्द है वह छेती दूर होवे, ते इन्नी ठंड दे विचों पत्रकार जो समाज साडे नाल जो आड़ती आ जो गरीब जनता हरेक ने साथ दिता, कोई भी बंदा नहीं सथो कोई भज्जिया किसानां तों। आड़तियां दी गल बापू जी ने कीती है और जिहड़े आड़ती किसान अंदोलन दा साथ दे रहे ने उहनां आड़तियां दे उत्ते सरकार दी गाज डिगी है, इनकम टैक्स विभाग है जिहड़ा उहनां दे खाते फरोल रहा है, उहनां दे घरां दे विच छापेमारी जिहड़ी कीती जा रही है। हांजी उह ना जिहड़े जी इह सारियां गलत गल्लां जे करदे आ, जे उह आड़ती साडे किसानां नाल तुरदे आ, जे कोई नजायज़ उहनां ते करदे आ असीं डट के उहनां दा ना साथ देवांगे। कहिंदे कौम ते जदों भीड़ बनदी है तां पंजाबी जिहड़े ने मूहरे हो के आपदा दे अगे टक्कर लैंदे ने, ते अज इस किसानी अंदोलन ने भी साबित कर दिता है कि इस चिंगियाड़ी जिहड़ी है पंजाब तो उठी सी ते इहदी अग जिहड़ी है हुण दिल्ली तक फैल चुकी है, अग नहीं रही हुण मैं इहनूं अग नहीं कहूँगी, इह भांबड़ बन चुकिआ है, ते इह भांबड़ जिहड़ा है दिल्ली दरबार तक इसका सेक जिहड़ा है पहुँच चुका है, सिर्फ हाँ या ना ते गल टिकी हुई है। की लगता है हुण तुहानूं? तीन जे शुरू हिसाब लाइए साढ़े गुरुआं ने भी दूजे धर्म वाले कुर्बानियां दित्तियां ना, उन्हां दा धर्म बचाया, ये सरकार नूं सोचना चाहीदा वा जिहड़े किसान ये जिहड़ियां नीतियां बनांदे आ ना बेकरजाई बहुत हो जाणगे नीतियां ना करजाए ना करजे नाल किसान अगे नप्पिया पिया जी, ते जे ये नीतियां लागू हो गईआं ते किसान ते अखलों थल्ले बहि जूगा, सारी दुनिया दा बुरा हाल हो जूगा काम 'च जी।
छिबर सर, असी अक्सर किसानी अंदोलन की लगातार पंजाब डिस्कशन गलबात कर रहे हो और अज इतने आके किसानी अंदोलन के रूबरू भी हो सिंगू बॉर्डर तस्वीर लगातार आप विखा रहे हैं और अज जो इन्हों अखों के हंझू देखते हैं ना तो साडा मन भी कितना कितने पसीजता है क्योंकि असं भी इंसान हाँ। तो ये अंदोलन लंबे समय तो चलता आ रहा है, लंबे समय तो आप डिस्कशन कर रहे हैं, थोनों की लगता है कि सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा बन के तो नहीं रह जाएगा अंदोलन? नहीं कमल, देखो आप लंबे समय तो डिस्कशन करते रहे हैं, जोड़ा ये अंदोलन था यह हूँ किसान अंदोलन नहीं रहा, यह हूँ लोग अंदोलन बन चुके है। हर देश का हर जो वर्ग आ चाहे वो जात पात मजहब तो उपर उठ के हर वर्ग के जोड़े लोग आ इस अंदोलन के कुदे हुए ने, विद्यार्थी वर्ग बड़े पद्धर से उठ के सामने आ रहे हैं तो जोड़े किसान बख बख धिर सारिया अपन जड़िया उन्होंने शिकवे शिकायत से वह सारे भुल के एक मंच से इकट्ठिया हुई हैं। हुण गल सिर्फ इत्थे खड़ी है कि जिहड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी जां जिहड़े अपने उन्होंने गृह मंत्री ने अमित शाह उन्होंने सिर्फ उन्होंने अपनी एक तरह की आकड़ जिहड़ी अपनी वो बना के बना लिया, वकार का सवाल बना के वो खड़े ने। इदां दी कोई गल नहीं जिवें कि किसान हुण खड़े ने ये कह रहे सानूं 6 महीने लग जाण, 9 महीने लग जाण, साल लग जावे, ये अपनी जिहड़ी गल आ ये पका के अपने घरां नूं परतणगे। इस करके जिहड़ी ये लोक अंदोलन बणिया हो तुसीं देखिया किन्ने वड्डे पद्धर ते जिहड़ा साहित वो निकल के आ रहा है, लोग गीत आ रहे हैं, वो जिहड़े लोग गीत ने जां जिहड़ा साहित आ वो किसानां दे विच खास करके जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ उहदे विच एक नवां जज्बा भर रही आ, जोश पैदा हो रहा है। इस करके जिहड़े लोग ने वो आप महारे निखर के चाहे टिकरी बॉर्डर होवे चाहे अपना सिंगू बॉर्डर होवे वो दिल्ली नूं भीरां कत्त के आ रहे हैं, जिवें कि आपां किसे धार्मिक स्थान ते शरदा दे फुल भेट करन जांदे आ, नतमस्तक होण जांदे ने, उवें हर कोई जिहड़ा पंजाबी आ हर किसान आ वो इत्थे आउणा चाहुंदा कि किते वो अपने इस जिहड़ा अंदोलन चल रहा इहदे विच अपनी अहूती पाउण ते पिछे ना रह जावे। इस करके जिहड़े सारे लोग ने आप भीरां कत्त के इत्थे आ रहे ने, इस करके एक ना एक दिन जिहड़ा किसान आ वो पूरी तरह जित के जाऊंगा, अपने जित के निशान आ जिहड़े जित के झंडे आ वह किसान जरूर कढ़ेगा। तुसी सीनियर पत्रकार हो, पत्रकारी बड़ा वड्डा तजर्बा रखते हो और इधर पुराने खुंड बैठे ने पंजाब दे, पंजाब दी जिहड़ी सत है पंजाब दे पिंडां दी पुराने खुंड बैठे ने, हुण तजर्बा जिहड़ा है निजी सांझा कीता जावे। तुसी देखो कमल जी ने गल की आ सत की गल की आ भी सत्थां दे विच चर्चावां हुंदियां ने, गल्लां हुंदियां ने, तुसीं अक्सर आ जिहड़ियां ये गल्लां भी करते होणगे इत्थे भी किवें मसला हल हो सकदा है। तुसीं घरां तों 1 महीने तो इत्थे आए हुए ने, घरां दा तुहानूं थोड़ा बहुत पछतावा भी होना है, किवें हुण घर दी पिछे गलबात करदे आ जां बच्चियां नाल याद करदे आ उहनां नूं, किवें तुसीं उहनां दा नाल इत्थे दा जिहड़ा माहौल आ अपने जिहड़े पिंडां दे विच होर लोक बैठे ने उहनां नूं किवें दसदे आ? साडा ना जी जिवें पिंडां दे विच आ ना जे कोई रौला रप्पा भी सी ना किसे नाल तो ऐसी परमात्मा ने कृपा की वह बह के ना वह लोगों ने जिहड़ियां तरीकां तक इत्थों तक आ भी मेरे पिंड का एक 24 साल का केस चलता सीगा, अंदोलन से इतने कट्ठे आए हैं बंदे तो इतों उन्होंने कहता तो केस उन्होंने वापस परसों जीरे कचहरी के लिया। सानू यह भी जे मान लो मेरा एक बेटा ना तो मेरे गुआढ़ी के दो आ साडा काम कार जिहड़ा उस प्रोपर ही चली जाता तरीके दे नाल, उह समझदे आ भी यह काम जिहड़ा दर्शन सिंह का कल्ले दा नहीं गा जे दिल्ली बैठे आ, यह साडा भी वह रल के खादा खूदा पा के साडा। चलो मैं तुहानूं इक्को गल दसी, जट नूं शौक हुंदा भी सवेरे उठ के एक वारी खेत गेड़ा मारे, सानूं इहदा जरूर है भी आपदा खेत चेते आउंदा, पर दूजे बन्ने जिहड़ा साडा भी जिवें असीं पुत पोतरियां नूं जायदाद दिंदे आ वसीयत करदे आ ते असीं वसीयत की दे के जावांगे, असीं जाण लगे जमीन ही डांडियां बानियां नूं दित्ती आ, सानूं इह वी नाल जिहड़ा अणख दा साडा जिहड़ा सौदा बणिया खड़ा, असीं नहीं जावांगे जां साडी इत्थों लाश जाऊगी, साडा तां पक्का हाल है भी असीं साडी जित होऊगी, साडा असीं इहदे दे विच जित्तांगे, जरूर जित्तांगे, क्यों असीं 100% ही सच्चे हाँ, इहदे विच सरकार झूठी आ। अज मैं तां ना शुकर हाँ तुहाडा धन्नवाद करदे हां चैनलां दे विच तुसीं नाल रौला रप्पा पाया ते इन्हां दी नींद खुली आ, नहीं ते चंद लोग आ असीं 80% लोग आ ते यार 16% लोग जिहड़े राज करी जांदे आ ते सानूं ऐ लई फिरदे जिवें झोटे नूं नत्थ मार के लई फिरदे, असीं जाग पए अज्ज। हुण तक जिहड़ा किसान अंदोलन जिन्ने भी रहे आ उहनां दे विच सारे धरनियां दे विच मुजाहरियां दे विच अक्सर आ जिहड़े उह बजुर्ग जिन्हां नूं आपां कहा जांदा है जां अपने जिहड़े मां बाप ने बुजुर्ग ने खास करके वह आते रहे हैं, पर पहली बारी होया कि इन अंदोलन के बच्चे वड्डी पद्धर से जोड़े नौजवान वर्ग आ खास करके औरतां जां कुड़ियां है वह भी इत्थे आ रही हैं, तुसीं ये किवें देख रहे हो भी उन्होंने बच्चों के नौजवान किवें जग्यासा फैली है? देखो जी एक ना पुरानी गल सी साडे बजुर्गों की
जो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान इकट्ठा सी उदो गल करते होंगे यही भी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वह जमया ही नहीं। एक एक गल सी उन्हां दी बड़ी मशहूर गल सी जिहड़ा ये दिल्ली वाला अंदोलन है। अज साढ़े किसान भरा ये गल कहिंदे ने भी जिहड़ा अंदोलन दे विच हिस्सा बनिया नहीं वह जमया ही नहीं। ये उस कहावत नूं जिहड़ा वह सिद्ध कर दिता है। तो किसान भरा जिहड़े ने वह हम हमा के पहुँचते भी जे असी दिल्ली नहीं पहुँचे असी खरे किड्डी कु मिस्टेक कर देंगे। आने वाले समय के सू पुछे भी जो अंदोलन चलता जी उदो तुम की करते जी साड़ी अणख का सवाल है। मोदी साहब न मनना पैना है चंगी गल है पहलो मन जाना ये असल दे विच मोदी का मन जाए ये डानी बानिया की मेहरबानी वड्डी है वो नहीं इनू मनन देंदे राह दे आउण देंदे। मोदी की मजबूरी है जिस दा मोदी नूं विआ मैं किसानां नाल धक्का करना। दूजी गल यार ये आ भी असी तां कुछ मंगते ही नहीं यार जे असी मंगीए तो असी तां उहदे हक मंगदे जे असी कोई होर तां नहीं इहनां कोल मंगिया जिहड़ा इहनां साडे कोल हक खोया है असी आपदा हक ही मंगते पे इन्हों को अं की मंग लिया यार नहीं तुम अपनी गल दसी भी जट की भी अणख का सवाल है हाँ विरोध का सवाल है उधर तो मोदी है जिहड़ा वह भी अपनी अणख रखी बैठा है हाँ फिर मसला हल किवें होगा। वेखो जी इन्ने अन्नदाते इकट्ठे होए ने वह दो बंदे अड़ जाणगे यार इन्न बंद अणख नहीं असी उन्होंने जताया यार वोटा ने अं उन्हू पाइया राजा उन्होंने अं बनाया अज उनकी अणख हो गई साड़ी अणख नहीं। देखो बीबा ये मसला जिहड़ा चलदा पैना यह तीन कानून दे नहीं जी हुण रह गई गल ये मोदी साहब ये सोचण भी जिहड़े किसान है अगली जिहड़ी सरकार होवेगी उह किसान दी होवेगी अगली सरकार आपकी राज तो वेख सियासी पार्टियां फिगर पै गए ने भी सानू किसानां ने पिंडां च नहीं वड़न देना अज असी अकाली चाहे कांग्रेस का झंडा नहीं लावांगे इलैक्शन होवेगा साडा यूनियन का झंडा होवेगा ये थले आण के बोलणगे ये आपका झंडा ला के नहीं बोलणगे। तो बाकी असी किसान आपकी जितों तक गल बनती भी जिवें पहलों अंदोलन होया आम आदमी पार्टी निकल के बाहर आई इस अंदोलन के एक नवी पार्टी जन्म लएगी वो पार्टी जी संता चाहेगी तो सारा नजिठेगा उदो कलम साड़ी होगी बिलसण साड़ी होगी फैसला साड़ा होगा उदो करांगे। बहुत वड्डी गल इस अंदोलन दे विच सुनन नूं मिली है कि लोकां नूं लोकतंत्र की ताकत वोट की ताकत आखिर पता लगती है जिस अन्नदाते ने अन्न उगा के लोकां दा पेट भरिया अज वो अन्नदाता यह भी ऐलान करता है कि आने वाली चोणां दे विच झंडा साडा होएगा सरकार साडी होएगी तो राजनीतिक पार्टियां साडे अगे हाथ जोड़ के खड़िया होणगियां। हिंदुस्तान की आबादी दे विच 2.5% जिहड़ी सिखां दी आबादी है तो अज उस 2.5% आबादी ने इत्थे लंगर चला दिते ने उस 2.5% आबादी नूं अन्नदाता होण दा जिहड़ा माण है वह हासिल होया है पर उस 2.5% नूं घट गिणतियां करके जिहड़ा वेख के अणगौलिया किया जा रहा है। अज उही कारण है कि अज टिकरी बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर से वक् वक् बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा किसान है अंदोलन कर रहा अपने हकों के लिए लड़ रहा है। ये आवां जी कोई साडी हिंदू नहीं कोई साडे सिख नहीं साडा कोई चाहे इत्थों का रहने वाला चाहे कितों का रहने वाला साडी सब किसानां दी गल है इहदे च कोई कौम की किसी की गल नहीं गई धर्म की कोई गल नहीं ये हाँ जी ये असी ये नहीं भी साडियां वोटां जां असी गिणती च घटां जां वाधां ये नहीं कोई चक्कर ये सरकारां सोचदियां ने कि घट गिणती है ये असी नहीं कहिंदे सरकारां दा कहना है कि घट गिणती है और घट गिणतियां नूं दबाया जांदा है। अक्सर इतिहास दे विच भी यही वेखण नूं मिलिया कि घट गिणतियां वाला वतीरा हमेशा सिख कौम दे नाल कीता जांदा है कल्ली सिख कौम ही नहीं मुस्लिम भाईचारे दे नाल भी जिवें CAA दा जिहड़ा कानून बनाया गया बहुत सारियां इहो जिहियां कारवाइयां सरकारां दे वल्लों कीतियां जांदियां ने जिस दे विच घट गिणतियां नूं दबाउण दी जिहड़ी कोशिश है उह कीती जांदी है। हाँ जी ये घट गिणतियां करके दबाउंदे पर असीं दबदे नहीं गे कोई साडी किसानां दी गिणती घट नहीं गी गिणती साड़ी बहुत आ इन्हां दे चित्त च उह गिणती घट आ सरकारां दी हाँ जी असीं इह बहुत करदे हां। छिबर सर बहुत ज़्यादा जिहड़ा जोश है किसानां दे विच बरकरार है असीं अक्सर मैनूं याद है कि आपां 26 नवंबर नूं एक एपीसोड कीता सी पंजाब डिस्कशन दा बेशक असीं 26 नवंबर दा जिहड़ा हिस्सा नहीं बन सके पर असीं उस अंदोलन नूं उन्हां बॉर्डरां नूं बिल्कुल नेड़े तो महसूस किया कि किवें इन्हां खेतां दे रखवालियां ने पानी दियां बुछाड़ां दा टाकरा करके आखिर दिल्ली दे विच आके डेरे लाए मोर्चे लाए तो आखिरकार अज वार वार हुण
हालात जोश बरकरार है, ये कोई शक नहीं कि किसानों का जोश है जोड़ा मठा पै चुका है, पर अज हालात ये बन चुके ने, ये अंदोलन इस मोड़ पर आ चुका है कि कुछ जेड़े किसान ने मोदी सरकार नूं चेतावनी दे रहे ने ते कुछ हाथ भी जोड़ रहे ने कि किवें ना किवें सानू जेड़ा साडा हक है वह दे दिता जाए। देखो कमल जी, हक तो हमेशा ये गल कही जाता है भी हक कोई परोस के नहीं दिता, हक खोने पैंदे ने, धौण पर गोडा रख के लेने पैंदे ने, ते हुण किसानां ने उन्हां दे धौण पर गोडा रख्या होया, हक लेके बैठणगे, हर हालत च बैठणगे। जिहड़ी क्रांति आ, क्रांति की जिहड़ी लहर आ, जिहड़ी के शहीद भगत सिंह हुणी कहिंदे हुंदे ते पगड़ी संभाल जट्टां वाले जिहड़े चाचा जीत जी हुणां कहिंदे हुंदे ते भी क्रांति आवेगी, क्रांति हुण आ चुकी आ। जिहड़ा इह अंदोलन आ इहने बहुत ज़्यादा जिहने कि अपने समाज दे विच इक बहुत वड्डा परिवर्तन लेके आंदा है, खास करके जिहड़ी साडी सांझीवालता है, जिहड़ी साडे गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने सानू सांझीवालता दा संदेश दिता है, वह भी इत्थे देखण नूं मिलदा। भाईचारक सांझ है जिहड़ी वह गूढ़ी हुई आ, जिहड़े परिवारक तंदां है वह मजबूत होईआं। हुणे जिवें कि मैनूं इह भाई साहब होरी दस रहे थे, एक 24 साल पुराना केस आ जिहड़ा एक अदालत विच चल रिहा सीगा, एक पिंड दा जमीन नूं लैके, जदों वह किसान भाईचारे के जिहड़े लोग ने जिहड़े 24 साल तो कचहरियां विच धक्के खा रहे सन, इत्थे बैठ के इकट्ठे होए तो उन्होंने अपना मन समझाया कि हुण जिहड़ी लड़ाई आ हुण दुश्मनां नाल लड़न की जरूरत आ, सानू भाइयां भाइयां नूं लड़न की जरूरत नहीं। उन्होंने अपना जिहड़ा 24 साल बाद जिहड़ा जीरे की एक तहसील विच जाके कोर्ट विच जाके अपना केस भी वापस लिया, दोबारा उन्होंने जिहड़ियां तंदां है वह मजबूत होईआं। इस करके जिहड़ा इह संघर्ष आ उन्हें बहुत सारिया निवेकलियां जिहड़ियां पैड़ां पईआं, आपां देख रहे हैं कि जिहड़े अंगहीण लोग ने, साडियां बीबियां ने, साडियां भैणां ने, खास करके विद्यार्थी ने, हुण दादे दे नाल पोता भी आ रहा, दादे दे नाल पोती भी आ रही आ, सारे जिहड़े निकल के घरां दे विच जिहड़ा नौजवान वर्ग आ, बच्चे तो लेके बजुर्ग तक इस अंदोलन दे विच आया होया। इह अज नहीं, कल नहीं, परसों नूं इह लड़ाई जिहड़ी किसानां दे हक विच जाणी आ, किसान बिल्कुल जितेगा, जिवें कि आजादी की लड़ाई थी जदों 1857 विच शुरू हुई, 1947 विच जित गया था, 1947 भारत आज़ाद हो गया, पर यह मतलब नहीं यदा भी यह लड़ाई लंबी जाएगी, यह लड़ाई दिनों की महीनों की हो सकती है, पर एक ना एक दिन जी लड़ाई आजाब के किसान, देश के किसान बिल्कुल जितने, क्योंकि एक बच्चे तो लेके बजुर्ग तक अज सड़क साडा जोड़ा किसान आ, जोड़ा खेतों का मालिक आ, जोड़ा कहना हों जट तो स्वर्ग से चढ़िया माण नहीं है, वो किसान आ जोड़ा वह जट आ, अज सड़क जोड़ा ये मोदी सरकार ने अदानी और अंबानिया के कहने पर आके वो साडा जोड़ा किसान उन्हों सड़कों पर रातां बिठा बिताने वास्ते मजबूर किया, जिहड़ा इह किसानां दा संघर्ष आ जरूर एक ना एक नवा रंग लेके आएगा। तो शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई। पिंड दे मुंडियो हुण की वेखदे, टिक्कियां नूं कत्ती जाके तुसी पायो, दिल्ली च पंजाब बुकदा किते सुते ना घरां च रह जायो, पंजाबी हुण सुते नहीं हुण जाग चुके ने, अपने हक्कां दे लई टिकरी बॉर्डर ते आके बुक रहे ने, सरकारां दे नाल आडा ला रहे ने। पंजाब डिस्कशन दे विच असी पंजाब दे पिंडां दीआं सत्थां चों निकले बजुर्ग किसानां दे नाल गलबात कीती, किवें उहनां दा दर्द अखां चों नीर बन के बाहर आया, ते बेशक नीर बन के बाहर आया पर जिहड़ा अंदर दा जज्बा है वह कायम है, वह बरकरार है। लगातार टिकरी बॉर्डर दीआं तस्वीरां तुहानूं विखांदे रहांगे, फिर हाज़र होवांगे प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन लैके, तुसीं वेखदे रहो पंजाब स्टार टीवी। धन्नवाद।